के अरमानों में पानी पी रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ स्काई, क्लाउड कितने ज्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं, क्या ही क्लाउड है यार। और ये नज़ारा हम आपको रास्ते में दिखाते दिखाते चलेंगे। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का दिन है संडे, और संडे इतने दो दिन से मैं इतने ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, बट आज का दिन है संडे है, तो संडे के दिन हम जा रहे हैं हमारे यार की शादी में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हुई यार। मतलब जाना तो दो दिन पहले था, लेकिन सॉरी अभिषेक भैया नहीं जा पाए, नहीं आ पाया, क्योंकि एक्चुअल में ड्यूटी वाला सीन हो गया, सर्वे वर्वे चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला। लेकिन आज हमने बोला टाइम मिला चाहे मिला, लेकिन आज तो भाई की शादी में जाना है, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, नैना जा रही है, दोनों ही जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे और रात देर रात तक वापस भी आ जाएंगे। तो बस अभी शादी में भी बहुत सारे क्रिएटर आए हैं, सबसे मिलाएंगे, DK भैया, आर्सन भाई, घनश्याम भाई, मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब मज़ा काफ़ी आने वाला है। तो बस बने रहिए, और वीडियो में आ गए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बाकी चलो नज़ारे शुरू करते हैं, निकलना तो है ही। और यार सच्ची बता रहा हूँ ना, तो फाइनली निकल चुके हैं हम, और ये देखो मैडम जी को एकदम शादी में जाने के लिए। और तुमको कैसा फील हो रहा है, दो साल बाद हम लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, अभी इससे पहले वो उदय का शादी अटेंड किए थे, सेकंड शादी दो साल के बाद, अलग ही वाइब भाई यार। मतलब दो साल से हम लोग कोविड के कारण इतने ज्यादा परेशान थे, और कोविड खत्म हुआ है तो मतलब ये दूसरी शादी है जो हम अटेंड कर रहे हैं, और अलग ही जोश है एकदम। मतलब जाना तो पहले ही था जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन ड्यूटी लगी हुई थी जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मत धमाल मचाएंगे, चलो चलते हैं। हसीना पागल दीवाने आया रात दिल मेरा। आज वेदर भी काफी ज्यादा अल्टीमेट है, और आज है यहाँ का बाजार गीतम का। जब महफिल जमा देंगे समा में और रुका को देंगे हवा में। तो गाइस काफी अभी कम समय बचा है, जगदलपुर तो पहुंच गए हैं, अभी डिमरापाल पहुंचे, तो बस कुछ ही देर का और इंतजार है, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे अभिषेक भैया के घर पे। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक भैया घर पे हैं कि कहाँ है, मैंने फोन पे बात तक नहीं की है, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे पहुंच के भैया कहाँ बोल के। तो अभी बस जगदलपुर पहुंच ही गए, चलते हैं मिलाते हैं आपको भी, क्योंकि वो अभिषेक भैया भी ना हमारे कैटेगरी में आ गए, शादी शुदा वाली कैटेगरी। लग गई वाट उनकी तो लग गई वाट। आज क्लाउड काफी ज्यादा है यार, काफी ज्यादा सेक्सी हो रखे हैं एकदम, क्या ही बोलूं मैं, इन लोग का शब्द ही नहीं निकलते हैं, ब्यूटीफुल बोल दो, लाजवाब बोल दो, मतलब अलग ही है यार। चलो माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पे आपका स्वागत है। चलो जगदलपुर पहुंच के अगर जगदलपुर की फील ना लिए ना, जगदलपुर की फील कब आती है, जब ये हनुमान जी का टेम्पल और सामने माई जी का द्वार, ये जब दिखता है ना तो ऐसा लगता है कि सच में आप जगदलपुर पहुंच गए। यहाँ पे बस कुछ थोड़ा बहुत काम है, वो काम धाम निपटाते हैं, खाना वाना हो गया बढ़िया। जय माता रानी। कैसे एक्साइटेड हो शादी में जाने के? वेरी। और लेट यही कर रही है? मैं लेट नहीं कर रही हूँ, अभी तो सब बिजी होंगे वहाँ पे। कोई बिजी नहीं है, हम लोग की शादी थोड़ी है, हम लोग तो एंजॉय करने जा रहे हैं। जिसकी शादी है वो बिजी है, सब बिजी होंगे, नहीं है कोई बिजी, सबके स्टेटस मैंने देख लिए। ओके भाई, चलो बहुत खुशी का दिन है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे मिल चुका है, और बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिली है चैन, काफी अच्छा लगा। लेकिन और अब चलते हैं सीधा अभिषेक भैया के, क्योंकि काफी देर से हम बोल रहे हैं आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं, लेकिन लेट हो गया, और धन्यवाद गिफ्ट के लिए। फिर से बोल, धन्यवाद गिफ्ट के लिए। तो चलो चलते हैं, आप बहुत वेट करा लिए। ये कुत्ता वो देखो ना, तुम्हारे टाइप चल रहा है, गजब बेइज्जती है।
तो फाइनली हम लोग शादी मना जाके यहाँ होटल रूम में आ गए, है ना। मेरे लिए रूम बुक कराया, तुम्हारे लिए क्यों कराऊं? घूमेंगे। बाप रे, बड़े वहां से आए हम लोग, विलायत से। हाँ, ये आ गया। बहुत स्लो है बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? ओ क्या? हम सबसे मिलाते हैं क्योंकि अभिषेक भैया की शादी पे जाने से पहले हम अभिषेक भैया को कॉल कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते। लेकिन शादी, अभिषेक भैया की शादी रात में होगी तो रात भर जगना पड़ेगा, जिससे कि अभिषेक भैया कर रहे हैं आराम और हम जाएंगे अभी, जितने भी हमारे भाई लोग हैं केयरटेकर लोग, सबसे मिलाते हैं आपको। चलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाय भाभी, हाय। तो देखते देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक हम सोच रहे हुए आप लोग कि हमने अभिषेक भैया को क्यों नहीं दिखाया। तो सीन बस ऐसे ही है कि अभिषेक भैया के पास अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है और बारात का वक्त हो गया है, तो बस अभी चलते हैं यहाँ से, प्रिंस को पकड़ते हैं। प्रिंस को पकड़ने के बाद सीधा अब मिलाएंगे अभिषेक भैया से, क्योंकि बारात निकलने वाली है, बारात तक हम पहले पहुंच जाएं तो ज्यादा। वाह यार, गुरुद्वारा क्या ही प्यारा सजा है, गुरुद्वारा बहुत सुंदर भी है। बधाई हो, बधाई हो, आगे का जर्नी बताते हैं फिर, हम तो आ रहे हैं। फाइनली अभिषेक भैया की शादी में आए थे, अभिषेक भैया की शादी वादी सब निपट गई, खाना वाना बस चल रहा है, बस यहाँ पे सेल्फी जोन बनाए हुए थे, अब ऊपर चलते हैं स्टेज में। सारी फोटोग्राफ्स खिंचा लिए हम, वापस आ गए फिर यहाँ सेल्फी जोन में। दीपक भैया जय जवाहर तुम्हारी, और हम आ चुके हैं अभिषेक भैया के साथ में, प्रभात भैया का चैनल हो गया है हैक, जी हाँ हैक हो चुका है। तो मिले हमारे दोस्तों से, प्रवीण भाई से, साकेत भाई से और अरसान भाई से, इस साइड से मिले आप, इधर मिले। अरे थारा भाई जोगेंद्र इधर जय, जो कि पिछले बार भी हमारी फोटोज ली थी बट अभी तक पहुंचा ही नहीं हमारे तक, कब पहुंचाओगे भाई? और भैया भेज दूंगा पक्का ना, आप तो यूट्यूब पर डल गए, आप सोच लो। और वहाँ घनश्याम भाई पागल हो गए लग रहा है मेरे को, ये देखो अलग ही दुनिया हम जी रहे हैं।
वहाँ क्या कर रहा है? इधर 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 हर जगह दर्द, इसको जिंदगी भर दर्द ही करता है। मेरे को एक चीज समझ में आ गया, पिछले बार भी भाई को यही चीज बोला, दर्द कर रहा है। करेगा ना तू, पिछले बार वाला बारसूर वाला में दौड़ा भी तो दिए थे आप लोग इतना लेके एकदम। तो भाई जब ये कुछ है, इनकी शादी थी अभिषेक और इनकी भाभी का नाम भाई जोगिंदर, और ये सेल्फी जोन, बाकी सारे लोग चले गए, अब हम लोग बचे हैं, हम भी जाएंगे कुछ ही देर में। तो अभी शादी वादी सारा चीज एंजॉय कर लिया हम लोग, आप लोग कैसा लगा? और हमारे डीके भी नाचने वाले हैं, अभी हम नाचेंगे, अभी हम नाचेंगे अपने आर्थन बाबा। चलो डांस बात करते हैं, हम लोग आए थे डांस करने के लिए लेकिन कांड हो गया यार, साला सबके अरमानों पे पानी पी रहे हैं, सबके अरमानों पे, सबके अरमानों पे यार, सब डांस करने के लिए निकले। तो अर्ज किया है, पत्तों सा बिखरा था मैं आगे, पत्तों सा बिखरा था मैं, उसने बड़े प्यार से सकेला, फिर आग लगा दी, फिर धुआं निकल गया। रे आंखें हमसे मिलाओगी तो बातें हो जाएंगी, तो बातें हो जाएंगी, और यूं ही मुस्कुराती रही तुम। वो पढ़ाते हैं ना टीचर, गजब बेइज्जती है। बोलो मेरे साथ, ठीक है? ये भी कॉमेडी है, मेरे को पता है। ये दिल से ये प्यार वाला, ये प्यार वाला है। ना होगी खता, ना होगी खता, तो ये गुनाह भी कर लूं, तो ये गुनाह भी कर लूं। ना होगी खता, ना होगी खता, तो ये गुनाह भी कर लूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो, अगर तुम्हारी इजाजत हो, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तो तुम्हारा हाथ पकड़ लूं। भैया का कहना है, ठीक है, भैया की तरफ से कि बहुत मासूम सी लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती मेरी, और हाँ अच्छा तो कहती है कि हाँ अच्छा तो कहती है, अल्फाज समझ लेती, जज्बात नहीं समझती। अरे वाह, मजा आ गया, वाह मजा, कभी क्लास शायरी।